दोगे ना नॉर्मल, अगर उसको ऐसे ही अपनी हेयर्स डाल दोगे तो इतना फ्लो नहीं दिखेगा, इतना बाउंसी नहीं दिखेगा। सो आप ये हैक यूज़ कर सकते हो जिससे आपका इतना बाउंसी दिखे और बहुत ही अच्छा दिखे। दो तरीके से अपने हेयर्स निकाले तो वो कितने लूज हैं कितने टाइट हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों साइड से थोड़ा सा इक्वली दिखे। अगर आपको थोड़ा सा लूज या कोई थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो थोड़ा सा गंदा दिखने लगता है। सेकंड पॉनीटेल अपनी रेडी कर ली है, इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे इसमें गैप क्रिएट करना है और अपनी फिंगर की हेल्प से। Hey my well wishers, welcome back to another vlog. This is Anushka and obviously you're watching Anushka Fashion Vlog with another hair tutorial video. So आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज ऑफ आज की वीडियो है न्यूली ब्राइड के लिए और जो भी 2024 की हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो और आई होप उनको अच्छी भी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार क्योंकि और भी बहुत अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती है। सो अगर आपने देखना है ना, अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो प्लीज़ लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी हेयर स्टाइल मैं आज बताने वाली हूँ जो आप अपने नेक्स्ट ईयर रेडी कर सकते हो और भी अच्छे दिख सकते हो, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो अपने लॉज के घर पर। सो रेडी करते हैं अपनी हेयर स्टाइल और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और इन्जॉय करना लास्ट तक और देखो यार कुछ अच्छा सा रेडी करेंगे अभी। और बेसिकली ये न्यूली ब्राइड्स के लिए और वैसे भी लोग रेडी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आज प्रॉपर चिकन का सूट पहन रखा है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है और बहुत लोग नेक्स्ट डे बहुत ब्राइट कलर्स और नॉर्मली ब्राइड्स अपनी फर्स्ट मतलब वेडिंग के बाद फर्स्ट डे मोस्टली ब्राइट कलर से पहनते हैं तो उन पर थोड़ा सा हेयर स्टाइल जो होता है ना थोड़ा सा लाइट हेयर स्टाइल ही अच्छा लगता है। सो उसके अकॉर्डिंग अपनी 3 हेयर स्टाइल आज रेडी करेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं यार। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट हेयर स्टाइल से जो कि हमारी रहने वाली हाफ ऑफ, क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरी भी कैरी करनी होती है तब, तो उसके साथ कुछ लाइट सा हेयर स्टाइल हो और कुछ क्लासी सा हेयर स्टाइल हो तो बहुत ही प्यारा लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट हेयर स्टाइल। पहले अपना करना है हेयर कॉम्ब, अच्छे से अपने हेयर्स को कॉम्ब कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाफ हेयर्स लेने हैं इस तरीके से, ऑब्वियसली फ्लिक्स पहले ही निकाल लेने हैं और इस तरीके से आप फ्लिक्स निकाल लोगे। उसके बाद आप इस तरीके से फोल्ड करके अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरीके से अपने हेयर्स पकड़ो और उसके बाद ये जो बनाना क्लिप होता है या कोई भी क्लचर इस तरीके से अच्छे से इसको बाइंड अप कर दो। यहाँ तक तो सबको ही पता है कि क्या हो रहा है, ईजिली लोग करते भी हैं ये, बट इसके बाद जो स्टेप है ना उसको फॉलो करना। उसके बाद देखना कि क्या मैजिक होगा आपके हेयर्स में। इस तरीके से आपको कोम कर लेने अपने हेयर्स बैक साइड से। उसके बाद बैक साइड से इस तरीके से धीरे धीरे कोम करना है इस तरीके से। फिर आप इजीली अच्छे से अपने हेयर्स को कोम कर लो बैक साइड में, ऐसे लाके ऐसे ऐसे। उसके बाद इस पकड़ के आपको अपने हेयर्स पकड़ने हैं। उसके बाद अपनी थंब की हेल्प से इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। होप ये हमारी बैक साइड से बहुत क्लासी लग रही होगी। आपका इतना फ्लो नहीं आएगा अगर आप नॉर्मल करोगे ना, नॉर्मल अगर उसको ऐसे ही अपने हेयर्स डाल दोगे तो इतना फ्लो नहीं दिखेगा, इतना बाउंसी नहीं दिखेगा। सो आप ये हैक यूज़ कर सकते हो जिससे आपका इतना बाउंसी दिखे और बहुत ही अच्छा दिखे। सो देखते हैं अपना फ्रंट लुक कैसा है बैक साइड से, तो आप लोग देख रहे होगे और मुझे कमेंट करके बताना कि बैक साइड से कैसा लग रहा है। सो या आप अगर इस हैक को यूज़ करते हो तो ये बहुत ही बाउंसी दिखेगा, उस साइड से भी उतना ही प्यारा लगेगा। सो ओके, तो अपना नेक्स्ट फर्स्ट, क्या ही बोल रही हूँ मैं, टंग स्लिप हो रही है, सॉरी। फ्रंट से लुक कैसा करना है, कैसे अपने हेयर्स को बाउंसी दिखाना, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ है, फिर से बता रही हूँ कि अपने हेयर्स को लेना अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस तरीके से अपर साइड में ट्विस्ट करना है जिससे एक नेचुरल बन रेडी हो जाए, नेचुरल फ्लो, नेचुरल जो कुछ बोला जाता है पफ वगैरह सब कुछ एक प्यारा सा रेडी हो जाए हमारा। और आप देख सकते हो साइड से कितना प्यारा लग रहा है, जो फ्लो आ रहा है ना वो बहुत अच्छा दिख रहा है, वो उसी हैक की वजह से आ रहा है क्योंकि इतना बाउंसी आप नॉर्मल अगर क्लच लगा के डाल देते हो तो इतना बाउंसी नहीं होता है वो। अगर इस हैक को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली इतना बाउंसी होगा और ये बहुत क्लासी दिखता है। इस तरीके से आप इजली काम कर सकते हो, आप इजली सुंदर भी दिख सकते हो, खुद को अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हो। सो ये सूट पे इस तरीके के लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड हेयर स्टाइल के साइड में, एक हेयर स्टाइल भाई कम्प्लीट हो गई। सो सेकेंड हेयर स्टाइल में हम रखेंगे नॉर्मल पोनीटेल। बहुत लोगों को दिक्कत होती है जब हेयर्स ओपन होते हैं तो काम करने में या कुछ भी तरीके से थोड़ा सा दिक्कत होती है, पल्लू लेने में या कुछ भी नॉर्मल तरीके से। आप साड़ी वेयर करते हो तो उसमें और दिक्कत होती है, अगर आपके हेयर्स ओपन होते हैं तो आप काम नहीं कर पाते हो या फिर थोड़ा सा कैरी करने में दिक्कत हो जाती है ओपन हेयर्स के साथ ओपन साड़ी। सो उसके लिए हम एक प्यारी सी पोनीटेल करेंगे जो बहुत ही क्लासी दिखेगी। सो सेकेंड हेयर स्टाइल हमारी पोनीटेल रहने वाली है और अपर नहीं डाउन रहेगी और वो बहुत ही क्लासी दिखेगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड हेयर स्टाइल। ना स्टार्ट दिस हेयर स्टाइल। ओके, इसको मैंने रिमूव किया बट मुझे अभी कॉम्ब करना पड़ेगा अच्छे से बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने अभी अपने हेयर्स में ना बैक कॉम्बिंग की थी और बैक कॉम्बिंग करने के बाद हेयर्स बहुत सारे फंस जाते हैं। सो आप तुरंत उसको अपने हेयर कॉम्ब करके सही कर लो। सो क्या करना है आपको, अपनी पोनीटेल रेडी करनी है पहले हाफ। ओफो मैं कुछ करूं और नीचे कुछ ना गिरे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी वीडियो क्रिएट किए कुछ ना कुछ तो नीचे गिर रही है। सो स्टार्ट करते हैं अपना। इस तरीके से आप हाफ पोनीटेल करो पहले, बस थोड़ा सा केयरफुली करो कि यार आपके बाल फंसे नहीं, क्योंकि अगर आप बाल फंस जाते हैं ना तो वो उतना अच्छा दिखता नहीं है। और नेचुरल बन करने के लिए ऑलरेडी इस तरीके से जाओ और इस तरीके से अपने हेयर्स को पुल अप कर दो जिससे एक नेचुरल बन रेडी हो जाए, क्योंकि थोड़े बाउंसी हेयर्स रहते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। बात बस इतनी सी हमारी रेडी हो गई है हाफ। इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है, उसके बाद अंदर से ट्विस्ट करके निकाल लेने हैं केयरफुली। इस तरीके से हो गया हमारा ये। उसके बाद क्या करना है आपको, अपने ये लेने हेयर्स ऐसे और इसके अंदर से थोड़ा सा केयरफुली करना है कि बाल फंसे नहीं, इधर उधर बाल निकले नहीं, और ये सारे बाल इसके अंदर से निकाल देने हैं। फिर आपको क्या करना है, सेकेंड स्टैंड से भी वही काम करना है। इस तरीके से लेना है और आपको अपने ये हेयर्स जो हैं वो थोड़ा सा केयरफुली ही करना है। ओके, ये निकल गए हमारे, ठीक है। अब ये हमारे जो आगे वो उनको मैं टाइट कर लूँ थोड़ा सा इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अपना पोनीटेल रेडी करना है ऐसे। ये पतली वाली रबर बैंड यूज करनी है। मुझे लगा था कुछ हेयर्स रह गए हैं, सो उनको भी ले लेते हैं। रेडी हो गई। अब क्या करना है हमको, अपने लेने हैं हेयर्स इस तरीके से और अपना नीचे से पोनीटेल का जो रबर बैंड था उसको थोड़ा पकड़ के रखना है इस तरीके से और इसको इस तरीके से लाना है फोल्ड करते हुए थोड़ा सा टाइटली। और इसको इस तरीके से निकाल देना है ऐसे। ओके, सो ये हमारा हो गया बैक साइड से। इसको कर देना है टाइट और इनको कर लेना है थोड़ा सा लूज। सो आप लोग देख सकते होंगे कि ये पोनीटेल हमारी बैक साइड से कैसी लग रही है, वो मुझे कमेंट करके आप बताओगे। फ्रेंड लोग देखते हैं हम कैमरे में। सो यार बहुत प्यारा लग रहा है लिटरली। थोड़ा बहुत जो हमारा हेयर मैसी हुआ है वो हम अपनी फिंगर्स की हेल्प से सही कर लेंगे। कभी भी हेयर स्टाइल बनाने के बाद आप कोम को नहीं यूज़ करोगे, अगर कोम यूज़ करने लग गया तो आपके हेयर्स कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे। सो वो और बिगड़ जाएगी हेयर स्टाइल। सो और बिगड़ने में ही देना है और इसी को अपनी हेल्प से, अपनी फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से इसको ट्विस्ट करके या फिर कुछ भी करके या क्लिप लगा के अगर आपका कुछ मैसी हो जाता है उस तरीके से ठीक करना है, बट कॉम्ब यूज़ नहीं करना है। सो ये हो गया हमारा डन। आई होप ये बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना जो हमने लास्ट दो तरीके से अपने हेयर्स निकाले थे वो कितने लूज हैं कितने टाइट हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों साइड से थोड़ा सा इक्वली दिखे। अगर आपको थोड़ा सा लूज या कोई थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो थोड़ा सा गंदा दिखने लग जाता है। सो उसको आप थोड़ा सा बाद में भी सही कर सकते हो क्योंकि तुरंत तो आपको बैक साइड से तो दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि अगर कोई और हेयर स्टाइल बनाता है तो वो सही करते हुए चलता है, बट आप अगर खुद अपनी हेयर स्टाइल रेडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बैक साइड से इतना नहीं पता चल पाएगा कि वो लूज है कि टाइट। तो उसको हम बाद में भी सही कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर रेडी करते हो अपना पॉनी टेल और आप साड़ी के साथ कुछ ऐसा वियर करते हो तो आप देख सकते हो फॉल कितना अच्छा लग रहा है, एक नेचुरली लग रही है कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा तीन जाम किया गया है। और आप एक मैसी हेयर्स के साथ बहुत अच्छा लुक अपना क्रिएट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बड़ी इयररिंग्स के साथ आप कुछ अच्छा पहनते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। सो आप इसको अपने हेयर स्टाइल की लिस्ट में रख सकते हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कमेंट करके बता दो कि आपको अच्छी लगी है। और अगर इस वीडियो को डालने के बाद कोई भी सब्सक्राइबर या मेरा सब्सक्राइब बढ़ता है तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो जाके सब्सक्राइब कर दो यार। बढ़ते हैं अपनी थर्ड हेयर स्टाइल की साइड में और वो देखते हैं क्या रहने वाला है, वो देख ही लेना आप। मैं इसको रिमूव करती हूँ, कॉम करती हूँ और उसके बाद अपना थर्ड हेयर स्टाइल रेडी करते हैं। सो थर्ड हेयर स्टाइल हमारा रहने वाला है हेयर बन, जो कि मैं रेडी करूँगी न्यूली ब्राइड के लिए और बेसिकली वो प्रॉपर तरीके से आपका रहेगा साड़ी के लिए और साड़ी पे वो बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप कभी रेडी करते हो उसको। तो ध्यान रखना थोड़ा सा उसको कि किस तरीके से करना है, बहुत केयरफुली करना है। थोड़ा सा वो हो सकता है थोड़ा सा लंबा क्योंकि उसमें 2-3 स्टेप है, तो अगर आप इजी वे में कर लोगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी और आप कर लोगे यार, कोशिश करना तो आप कर लोगे, वो बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ही अच्छा सा साड़ी के पीछे से बैक लुक देगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड हेयर स्टाइल, बहुत ही प्यारा रहेगा, देखना ज़रूर लास्ट तक। सो क्या करना है अपने हेयर्स में इस तरीके से हाफ करना है, उसके बाद आपको उसको पॉनीटेल की तरह रेडी करना है। बेसिकली ध्यान रहे थोड़ा सा टाइटली ही रखना है क्योंकि आप जब ट्विस्ट करते हो ना तो ऑलरेडी वो हो ही जाता है। इस तरीके से करना है, थोड़ा सा लाना है ऐसे, उसके बाद इस तरीके से इनर ट्विस्ट कर देना है उसको, ठीक है। फिर ऐसे आपको सेकेंड भी ऐसे ही रेडी करना है। तो देखो मैंने सेकेंड पॉनीटेल अपनी रेडी कर ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे इसमें गैप क्रिएट करना है और अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरीके से अपने हेयर्स ट्विस्ट करने हैं और उसके बाद ये वाला जो पॉनीटेल आपने किया था पहले उसको निकाल देना है ऐसे ऐसे लाके, फिर इसको टाइट कर देना है ऐसे, ठीक है। ये डन हुआ हमारा, ओके। थोड़ा सा आपको अगर वो लगने लगे, जैसे लगने लगे कि मैसी हो रहा है तो फिर आप इसको इस तरीके से हेयर पुल अप करके इसको बीच में ले आओ। इसके बाद एक और रेडी करना है तो वो नहीं दिखेगा, इस तरीके से एक और रेडी करना है अभी। वो रेडी करना है इस वाली थोड़ी सी मोटी वाली रबर बैंड से, फिर उसके साथ यही करना है ट्विस्ट करके और इस तरीके से अंदर की तरफ ट्विस्ट कर देना है और ऐसे टाइट कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि बैक साइड पे क्या क्या हमारा मैसी हो रहा है उसको आप बाद में ठीक कर सकते हो, बिकॉज आप सिंगल हैंड से अपनी हेयर स्टाइल रेडी कर रहे हो, बैक साइड से आपको दिख नहीं रहा है। सो आप इस तरीके से करने के बाद नॉर्मल आपको करना है, ब्रेड बनानी है, नॉर्मल ब्रेड जो बनती है। अब मैं रेडी कर रही हूँ अपनी नॉर्मल ब्रेड। अभी आप देख सकते हो मेरे हेयर्स कहीं कहीं से मैसी हो रहे हैं, वो होंगे ही बिकॉज ऑफ बैक साइड से आपको नहीं दिख रहा होता, वो बाद में सही हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। आपकी कोई और भी स्टाइलिंग कर रहा होता उससे भी हो जाता है। अगर आप किसी भी हेयर स्टाइल को रेडी करते हो ना तो वो हो इस वजह से जाता है कि आप कितना भी केयरफुली करो। प्लीज इस वॉइस को अवॉइड करना, मेरे पास में काम चल रहा है। सो इस तरीके से आप करने के बाद ओके, अब आपको अपने हेयर्स लूज कर लेने हैं ऐसे, अच्छे से लूज करना है इसको। फिर क्या करना है, आपको ऐसे लूज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए आना है ऐसे, इस तरीके से फोल्ड करते हुए आना, गैप क्रिएट करना है ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद जो ये होती है ना बेबी पिंस जो होती हैं, ये जोड़ा पिन नहीं है, जो बेबी पिंस होती हैं उनसे फंसाना है ऐसे ही। अपने बन को थोड़ा सा लूज करो, नीचे से ऊपर से हर तरीके से। ये जो बनाई थी ना आपने ब्रेड, बस उसी को लूज करना है, बन को लूज नहीं करना है। सो आप देख सकते होगे कि कितना अच्छा लग रहा होगा। बैक साइड से आप ये बीड्स भी लगा सकते हो, आपका जो इच्छा करे वो लगा सकते हो वो, क्योंकि बहुत स्टोन वाली बीड्स भी आती हैं, बहुत प्यारी प्यारी बीड्स आती है। और आप जब वेडिंग कर ही रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप परचेज़ करते हो अपनी हेयर एक्सेसरी सीरीज़ में, और नायका पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन भी हैं, आप उससे भी परचेज़ कर सकते हो। सो आप लोग देखो, ये ऑब्वियसली फ्रंट साइड से बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लुक आया है। बैक साइड से इस तरीके से आप साइड से देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, इस साइड से भी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अभी थोड़ा सा मेरे हेयर जो मैसी हो रहे हैं वो मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से सही करना है। इस तरीके से मैं अपना नेचुरल बन रेडी करूँगी और अपने मैसी हेयर्स को सही करूँगी। सो चलो ठीक है यार। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। न्यूली ब्राइड्स ने अगर किसी ने भी देखा है ना इस वीडियो को तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये वीडियो देखी है और आपके लिए हेल्पफुल रही है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक और तड़कती भड़कती वीडियो के साथ, एक और प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल के साथ, या फिर मेकअप वीडियो के साथ, या फिर मैं जहाँ जा रही हूँ वो सरप्राइज़ बहुत जल्दी रिवील होने वाला है। सो वहाँ की भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू।